हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर या बेसिकली फॉरेन अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन इवेंट आज हम बात करेंगे हाल ही में जो आप लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे कजाकिस्तान में किस तरीके से एक छोटा सा इशू फ्यूल प्राइसेस को बढ़ने को लेकर जो एक मेजर नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है आज हम बात करेंगे पूरा मामला क्या रहा लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक जो सोचने वाली बात होगी वो ये होगी कि अगर आपकी डेमोक्रेसी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो वीक हो उसकी वजह से जो आपके सिटीजन हैं आपके कंट्रीमैन हैं उनमें हो सकता है अंदर ही अंदर किस तरह का डिस्ट्रस्ट हो या ग्रीव्यांसिस हो फ्रस्ट्रेशन हो पूरे सिस्टम को लेके और कोई ना कोई छोटा इवेंट भी एक मेजर क्राइसिस को ट्रिगर बेसिकली कर सकता है मुझे लगता है सभी को इस इवेंट से सीखने की जरूरत है चाहे वो सेंट्रल एशिया हो एशिया हो यूरोप हो अमेरिका हो कि अगर आपके सिटीजन किसी बेसिकली चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है तो गवर्नमेंट अगर इमीडिएट मेजर्स नहीं लेती है तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है फिर कुछ ऐसा होता है कि एक छोटा सा स्पार्क एक छोटा सा ट्रिगर एक बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफ को बेसिकली जन दे सकता है सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा हाल ही में एक सडन स्पाइक फ्यूल प्राइसेस में जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस पहले के मुकाबले बेसिकली डबल हो गए उसकी वजह से कजाकिस्तान में एक नेशनल क्राइसिस ट्रिगर होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों और इसकी वजह से जो वहां की ऑफिशियल गवर्नमेंट है उनको भी ट्यूसडे को हटना पड़ा स्टेप डाउन होना पड़ा क्योंकि कई दिनों से लगातार जो वॉलेंट प्रोटेस्ट हैं पूरी कंट्री में छाई हुई हैं और कजाक सिक्योरिटी फोर्स अगर आप माने तो उन्होंने कहा कि दर्जनों प्रोटेस्टर्स और कम से कम आठ से भी ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स ऑलरेडी इसमें मारे जा चुके हैं क्योंकि जो ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं ताकि जो मेन सिटी है अल्मेटी उसमें फिर से ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके और सिचुएशन इतनी खराब हो गई हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या डोमेस्टिक इशू बेसिकली रहा लेकिन सिचुएशन जब आउट ऑफ हैंड स्पायरल होने लगी तो उसकी वजह से कजाकिस्तान ने अपने फ्रेंड्स पर्टिकुलरली रशिया से बेसिकली मदद मांगी कि आप अपने को भेजिए और रशिया ने अपने ट्रुप को सिक्योरिटी पर्सनल को कजाकिस्तान में फाइनली लैंड करवाया ताकि वो कजाक सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर सके हेल्प कर सके पूरे कंट्री में ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कजाक प्रेसिडेंट कैसियम जोमार्ट टोकेव उन्होंने जो मॉस्को लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या CSTO है जो कि एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें रशिया आर्मेनिया बेलारूस कजाकिस्तान क्रेगिस्तान एंड तजाकिस्तान इसके बेसिकली पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ये डोमेस्टिक इश्यू जो फ्यूल प्राइसेस को या ईंधन के प्राइसेस को बढ़त को लेकर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई फाइनली एक मेजर नेशनल क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुका है और हो सकता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कैपेबल ना हो इस इस बेसिकली प्रोटेस्ट को क्वेल करने में वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रशिया आर्मेनिया बेलारूस कजाकिस्तान एंड तजाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप भी अपनी सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी ट्रूप सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी कंट्री में भेजिए और हमारी इसमें मदद करिए और ट्यूजडे को प्रेसिडेंट टोक ने एक दो वीक की स्टेट इमरजेंसी अल्मेटी सिटी के अंदर डिक्लेयर कर दी और अल्मेटी के साथ साथ ही प्रोविंस में भी इस बेसिकली दो वीक की स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया मैंग प्रोविंस वही जगह है जहां पे अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स लगातार बेसिकली देखे जा रहे हैं में इन्वॉल्व प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व और जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसके अलावा पुलिस ऑफिशियल से क्लैश करना उनको स्टॉम करना तोड़फोड़ करना आगजनी करना इन सारी चीजों में लोग लगातार इन्वॉल्व देखे जा रहे हैं और इसके रिस्पॉन्स ने गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेस को इमीडिएटली शट ऑफ किया और जो मैसेजिंग एप्स हैं उनको भी पूरी तरह बैन कर दिया गया है कुछ घंटे पहले प्रेसिडेंट टोका ने फाइनली जो वहां की गवर्नमेंट है उसकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया ताकि ये रेजिग्नेशन से जो वॉलेंट प्रोटेस्ट है प्रोटेस्टर्स हैं वो बेसिकली सेटिस्फाई हो चुके कि एक्चुअली गवर्नमेंट उनके ग्रीवियंस को एड्रेस करने के लिए सीरियस है साथ ही साथ उन्होंने जो एक्टिंग कैबिनेट है उनको गवर्नमेंट के प्लेस पे प्लेस किया और उनसे कहा कि जो पहले एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो मेजर फ्यूल है वहां पे वहां के ट्रांसपोर्टेशन का वहां के कार्स एक्सेट्रा का उसमें जो पहले से कंट्रोल थे प्राइसेस के उन कंट्रोल्स को वापस लाया जाए और हाल ही में इसको जो ओपन मार्केट या डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड कर दिया गया उन मेजर्स को फिर से कंट्रोल्ड प्राइसिंग पे ले आया जाए दोस्तों लेकिन प्रेजेंट टोकाएव का ये बेसिकली मेजर बोल्ड मूव जिसमें गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा और फिर से एलपीजी पे प्राइस कंट्रोल्स को रीइंस्टेट किया गया लोगों ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है और इस वजह से इन दो मेजर स्टेप्स के बावजूद भी जो ऑर्डिनरी कजाक्स हैं उन्होंने आज तक भी मेजर वॉलेंट प्रोटेस्ट को अंजाम देना जारी रखा है और अभी भी वो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं पुलिस ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उनके साथ लगातार क्लैश में बने हुए हैं और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेजिडेंट टोकयो ओन बेसिकली सेंट्रल एशियन नेशन लीडर्स में से हैं जिनको इंडिया ने अपने आने वाले 26 जनवरी के इंडिया के रिपब्लिक डे में बेसिकली इनवाइट किया है एज वन ऑफ द गेस्ट क्या बेसिकली इशू है क्यों कजाक बेसिकली इतनी मेजर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं जो एंग्री कजाक्स हैं सबसे पहले संडे को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई और इनिशियल जो स्पार्क या कैटलिस्ट बेसिकली आप इसको समझेंगे वो रहा कि जो फ्यूल प्राइसेस थी और कजाकिस्तान खुद बेसिकली एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑयल रिच कंट्री है गैस रिच कंट्री है उसके बावजूद भी जब गवर्नमेंट ने एलपीजी पे जो प्राइस कैप थी या सब्सिडीज थी उनको हटा लिया उस वजह से एलपीजी की रेट एकदम से बेसिकली डबल हो गई और उसी के रिएक्शन में वहां के जो ऑर्डिनरी कजाक्स थे वो सरकों पे उतर आए इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को लेके सबसे पहले जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई जो ऑयल सिटी है वहां पर स्टार्ट हुई और ये वही जगह है जहां पर 2011 में 16 से भी ज्यादा ऑयल वर्कर्स बेसिकली की डेथ हो गई थी क्योंकि वो

सबसे वॉलेंट प्रोटेस्ट के रूप में उभर कर आया है दोस्तों प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि एक तो गवर्नमेंट डिजाइन करे और एलपीजी की प्राइसेस को जो पुराने प्राइसेस थे उन पे वापस ले आया जाए इनफैक्ट लोगों का यह भी कहना है कि एक्चुअली यह जो एलपीजी की प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी वजह से जो फूड प्राइसेस फिर वो बढ़ेंगी और जो वहां पर इनकम इनइक्वालिटी है मतलब कि रिच बहुत ज्यादा रिच हैं पुअर बहुत ज्यादा पुअर हैं सेम कंडीशन इंडिया की भी देखी जा रही है और इनफैक्ट जो हमने रिपोर्ट आपसे डिस्कस की इनकम इन रिपोर्ट या वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ टू उसमें भी बहुत क्लियर है कि एशिया में इंडिया सबसे ज्यादा अनइक्वल कंट्रीज में से काउंट किया जाता है सेम सिचुएशन कजाकिस्तान के भी कह सकते हैं जहां पर इन एक मेजर रीजन बना हुआ है एक लंबे टाइम से तो लोगों का कहना है कि प्राइसेस बढ़ने के कारण फूड प्राइसेस एक्सपेंसिव होंगी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव होंगी रोजमर्रा की जो चीजें हैं जरूरतें हैं इन्फ्लेशन है महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से जो लोग बेसिकली पुअर हैं जिसमें से लार्ज पार्ट्स एंड लार्ज सेक्शन ऑफ तो सोसाइटी स्टिल एक्सट्रीमली पुअर उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर की बात देखें तो कजाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है पिछले साल का वो रफली नाइन परसेंट है जो अपने आप में पिछले पांच साल में हाईएस्ट बेसिकली आंका गया है इन प्रोटेस्ट में अब तक 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है और अगर आप इसकी रूट कॉज एनालिसिस करें कि क्या एक्चुअली सिर्फ फ्यूल प्राइसिस का बढ़ना है ही एक्चुअल रीजन है तो कई चीजें और सामने निकल कर आएंगी एक मेजर रीजन है कि लोगों की जो डिमांड है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए वो ऐसा लगता है कि मेजर अंडर करंट है फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना तो सिर्फ एक वो छोटी सी चिंगारी है स्पार्क है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट या वो जो फ्रस्ट्रेशन डेमोक्रेसी के ना होने से इतने दिनों तक तो इकट्ठा हो रही थी वो वेंट आउट होना शुरू हो गई सो चीपर फ्यूल प्राइसेस इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग इनफैक्ट जो ग्रोइंग डिस्कटेंट है या ग्रीव्यांसिस हैं ऑर्डिनरी कजाक्स के मन में किस चीज को लेके दो चीजों को लेके एक तो इनकम इनक्वालिटी को लेके और जो कोरोना वायरस का पैंडमिक है जिसकी वजह से ये इनकम इनक्वालिटी और ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देती है उसकी वजह से लोग पहले से ही बहुत ज्यादा एग्रीव हैं परेशान हैं दूसरा लैक ऑफ डेमोक्रेसी क्योंकि इतने सालों से हालांकि वहां पर कई प्रेसिडेंट चुने गए लेकिन रियल डेमोक्रेसी अभी तक भी स्टेब्लिश नहीं की जा सकी है अगर आप देखें तो लोगों का यह एलिगेशन है कि पिछले कई डिकेट्स में कजाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट कर चुका है अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में क्योंकि पॉलिटिकली स्टेबल बेसिकली फेस मेंटेन करके लेकिन लोगों का यह कहना है कि यहां की जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उसको वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है कई सेक्शंस के द्वारा क्योंकि उनका एलिगेशन है कि हो सकता है कि वहां की जो गवर्नमेंट हो वो लगातार उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स को या वहां के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती आई चली आ रही हो इनफैक्ट 2019 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रहा उसको लेकर उसमें जो इनरेग्यूलरिटीज है उनको लेके भी कई लोगों का एलिगेशन है कि टू का प्रेजिडेंशियल इलेक्शन भी शायद उतना फेयर एंड फ्री ना रहा हो ये जो इलेक्शन है टू के ये काफी टाइम बाद जब सोवियत एरा लीडर हैं नुसुल्तान नजरबेव उन्होंने जब प्रेजिडेंटशिप से स्टेप डाउन किया तो उनको रिप्लेस करने के लिए प्रेजिडेंट कि अभी करंट प्रेजिडेंट है उनको बेसिकली हैंड पिक करके इंस्टेट किया गया और यह भी कहना है कि कहने को तो 2019 थाउजेंड नाइनटीन में नजरबेब इतने डीकेट्स के रूल के बाद स्टेप डाउन कर चुके हैं लेकिन सच्चाई शायद यह है कि वो और उनकी पूरी फैमिली आज भी कंट्री में जो पावर इक्वेशन है उसमें काफी इंफ्लुएंस काफी इंपैक्ट काफी बेसिकली उनका रुतबा अभी भी मेनटेन है तो लोगों का कहना है कि इतने डीकेट तक खुद ने अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट को लीड किया उसके बाद अपने सक्सेसर हैंडपिकेजिडेंट नजरबे को वहां पर स्टेट किया तो रियालिटी में अगर देखा जाए तो शायद डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन अभी भी कजाकिस्तान में ट्रू टर्म्स में आया ही नहीं है लेकिन शायद आप सच्चाई देखें तो जब ये प्रोटेस्ट ब्रेक आउट हुई तो प्रेसिडेंट निजा बेयम ने इन प्रोटेस्ट को या प्रोटेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जैसे जब स्टेप्स ब्रेक आउट हुई कि इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, किया जाए 2019 में ये पहली बार हुआ कि सिटीजन ओपनली आके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट ने भी उसको टॉलरेट किया जो कि पहले शायद होता हुआ देखा नहीं किया ज्यादातर ये जो फ्रस्ट्रेशन है ऐसा कहा जाता है कि ये फ्यूल प्राइसेस या करंट प्रेसिडेंट के बजाय जो एक्स प्रेसिडेंट है नजरबेब उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ भी हो सकता है क्योंकि लोगों का कहना है कि जो एंटी नजरबेब सेंटिमेंट है ये इस बात को लेके है कि एक्चुअली स्टेप डाउन करने के बावजूद भी पूरी फैमिली और एक्स प्रेसिडेंट अभी भी एक मेजर इंफ्लुएंस बनाए हुए हैं कजाकिस्तान के पूरे पोलिटिकल या बेसिकली पावर इक्वेशन और स्ट्रक्चर में इस वजह से वहां पे एक स्लोगन बहुत फेमस होता हुआ देखा गया है ओल्ड मैन गो अवे कि आपने बहुत साल पहले से राज कर लिया है अब आपको टोटली कजाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लेना चाहिए गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा जैसे ही स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई अलमेटी और मिंगिस्ट्री में प्रेजेंट टोकियो ने जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है और उनके पूरे कैबिनेट को डिसमिस कर दिया इसके अलावा उन्होंने जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है काउंसिल के बेव है, उनको रिप्लेस किया जाएगा लीडर के रूप में इसका मतलब उनको सिक्योरिटी काउंसिल से अब हटाया जाएगा साथ ही साथ जो फॉर्मर प्रेजिडेंट है उनके नेफ्यू हैं सामत अबिश उनको भी डिसमिस किया जाएगा जो कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस है उसके फर्स्ट डिप्यूटी हेड की बेसिकली चेयर से इसके अलावा उन्होंने अपने ओरिजिनल लेवल पर लाएंगे ताकि कंट्री में स्टेबिलिटी को फिर से वापस लाया जा सके और अगर द गार्जियन न्यूज पेपर की आप बात माने तो जो इंटरम गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से जो प्राइस कैप थी फिफ्टी टें उसको वापस से पर लीटर ऑफ एलपीजी को रिंस्टेट कर दिया है जो कि बड़ी हुई प्राइसिस का ऑलमोस्ट बेसिकली हाफ है साथ ही प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे बेसिकली एक्शंस लेंगे जिसके थ्रू जो प्राइस कंट्रोल है सिर्फ गैसोलीन और डीजल ही नहीं लेकिन बाकी भी जो सोशली इंपॉर्टेंट या पब्लिक गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स हैं उनसे अगर लोगों को दिक्कत होती है प्राइस बढ़ने से तो उनके प्राइस को भी बेसिकली कंट्रोल किया जाएगा यह जो रिसेंट क्राइसिस है इसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं खासतौर से रशिया चाइना ये दोनों ही बहुत कंसर्न हैं क्योंकि उनके लिए कजाकिस्तान एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सिमिलरली अगर आप इंडिया के इंटरेस्ट की बात देखें तो इंडिया रेगुलरली जैसा अगर आप हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंडो सेंट्रल एशियन रिलेशनशिप के बारे में अगर आप थोड़ा सा बेसिकली जानकारी वहां से लेंगे तो बहुत क्लियर है कजाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के अलावा एनर्जी सप्लायर इंडिया के लिए धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है चाहे एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स हो और चाहे एनर्जी हमारे बेसिकली में होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन क्या ये बेसिकली जो सिचुएशन कजाकिस्तान में दिखाई देती है क्या ये सिर्फ कजाकिस्तान के लिए ही पिक्यूलियर है मुझे लगता है ऐसा नहीं है कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज वीक होने से इंस्टीट्यूशंस वीक होने से या लोगों के जो एक्चुअल हैं उनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन लंबे टाइम तक नज, नजरअंदाज करती रहे तो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट इकट्ठा होती जाती है और कई बार एक छोटा सा इवेंट एक मेजर नेशनल क्राइसिस को बेसिकली जन्म दे सकता है इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिकल लीडरशिप का बेसिकली इंस्टीट्यूशंस और लीडरशिप की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो जनता की जो पल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको टाइमली तरीके से एड्रेस करते रहें ताकि इस तरह की फ्रस्ट्रेशन इस तरह के ग्रीव्यांस इतने मेजर कैटास्ट्रॉफ में कन्वर्ट ना हो पाए मुझे लगता है कजाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर फिर से सेब्लिश होना साथ ही साथ वहां के ऑर्डिनरी सिटीजन की जो जेनुन ग्रीव्यांसिस हैं उनका एड्रेस होना और प्रेजेंट ओके के लिए वहां की डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करना साथ ही साथ उनका हमारे 26 जनवरी के बेसिकली रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए सेंट्रल एशिया के लिए साथ ही साथ कजाक बेसिकली कॉमन सिटीजन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा स्टे ट्यून्ड जय हिंद जय भारत